ओंकार है ज्योति तुम्हारी, देहो लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल मुख जी विकराला। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है थायराइड की गोली के साथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। 5:30 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है, 4 बजे से ही उजाला हो जाता है, 5:30 बजे तक काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो सबसे पहले दवा ली, उसके बाद ब्रश मंजन किया, वॉक पे एक्सरसाइज आजकल मैं कर नहीं रही हूँ, आलस बहुत ज़्यादा लग रहा है। दूसरी चीज़, रूटीन नहीं बना हुआ है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, बच्चों की टिफिन की तैयारी कर रहे हैं, आलू कट करके मैंने उसको अच्छे से पोंछ लिया है। कढ़ाई में सरसों, जीरा, राई के दाने और कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद आलू फ्रेंच फ्राइज साइज में मैंने कट किया था, उसको ऐड कर दिया है। आलू की सब्ज़ी जब भी बनाए ना, क्रिस्पी कुरकुरा तभी होगा जब आलू को अच्छे से धुल करके उसको अच्छे से साफ मतलब पोंछ लेंगे, पानी नहीं लगा रहेगा। तो जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ। चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल के चाय चढ़ा दो और चाय में खूब अच्छे से उसको काढ़ो, यानी उबाल आए तभी चाय अच्छी बनती है। तो चलिए चाय भी चढ़ा देते हैं। वैसे चाय के शौकीन हमारे घर में बहुत कम बचे हुए हैं, मैं बहुत थोड़ा सा पी लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा सभी लोग पी लेते हैं। सुबह के टाइम ऐसा कोई भारी भरकम नाश्ता बन जाता है ना तो सही रहता है, अगर नाश्ता बन जाए तो फिर खाना लेट कर देते हैं और खाना बनाओ तो फिर नाश्ता नहीं बनता। हरी मिर्ची आज कल नाम मात्र की है, तीखा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी डालना ही होता है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है और सब्ज़ी बनकर के तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर इसको मैं ढक दूंगी, अगर थोड़ी बहुत कसर होगी पकने में तो ये पक जाएगी। आलू की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है, मतलब इस तरीके से जो मैं सादी सिंपल बनाती हूँ। गर्मी के मौसम में ये सारी सब्ज़ियाँ बनती है, ठंड में तो मसालेदार ही सब्ज़ियाँ बनती हैं। गर्मी के मौसम में मसाला कम खाने का मन होता है, या फिर एक दिन मसाला खा लो ना तो फिर अगले 2 दिन तक मसालेदार सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ सादी सिंपल सब्ज़ी बन जाती है, आलू की या फिर चना वगैरह। और अभी जैसे कहीं से हम लौट के आते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है हमें समझने बूझने में और हमें अपना काम करने में। सबसे पहले मैंने यहाँ चाय बना के सबको छान करके दे दिया है, रोटियाँ बनाई है और यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी रेपर लिया है, इसमें रोटियों को रैप कर दो ना तो बहुत अच्छे से रोटियाँ गीली नहीं होती। ऐसे जब हम फाइल होती है जो सिल्वर वाली फाइल होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। तो मैं ये वाला कागज़ मंगाती हूँ जो कि आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगा, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें रोटियाँ ऐसे गीली गीली नहीं होती है, जैसे पसीज सी जाती है ना पानी की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बच्चे गए स्कूल और शुरू करते हैं किचन की साफ़ सफाई। सबसे पहले बर्तन उठाते हैं, बर्तन धुलते हैं। बर्तन धुलने के बाद ना ऐसा लगता है पूरा फैला हुआ बर्तन जो है ना सिमट सा गया है। उसके बाद किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, फिर झाड़ू पोछा होता है, फिर उसके बाद स्नान ध्यान पूजा पाठ होता है। आज व्रत है तो आज मैं ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, दाल चावल वगैरह कुछ दोपहर की तैयारी नहीं करनी है। बच्चे एक बार टिफिन गए, दोपहर को आएंगे तो ये लोग फलाहार ही करेंगे। तो बस बर्तन धुल लिया, किचन की साफ़ सफाई कर दी है, मैंने सोचा थोड़ा सा मसाला भून लेती हूँ जो कि फलाहार में डालने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी साबुत धनिया ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है, काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च। ये मसाला आप किसी भी सब्ज़ी में डालो तो वो भी अच्छे से, सब्ज़ी इसकी बहुत अच्छी होती है। और मसाला भुनने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी मूँगफली भून करके रख देते हैं। पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे मूंगफली जो मैंने भून करके रखा था, अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, इसका मैंने छिलका निकाल लिया है और इसको कांच के जार में भर के रख दे रहे हैं। बढ़िया आराम से पूरा दिन चलेगा। बच्चे मूंगफली बहुत पसंद करते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मूंगफली पसंद नहीं आती, लेकिन क्या है ना आज सबके साथ मैंने भी खूब सारी मूँगफली खाई, मतलब खूब सारी से मतलब एक मुट्ठी मैंने दोपहर को खाई, एक मुट्ठी मैंने चाय बनाते समय पी और एक मुट्ठी मैंने रात को खाई, तो 3 मुट्ठी मैंने मूँगफली खाई। सबसे पहले ये जो पाउडर है ना मतलब मसाला जो मैंने बना के रखा है, ये मसाला बहुत अच्छा होता है फलाहार के लिए और बहुत मतलब स्वाद लगता है। ऐसे मसाला डाल दो ना तो ऐसे आलू सिंपल सी होती है, सादी सी होती है ना, उसमें एक स्वाद आ जाता है। आज मैंने जो आलू बनाई थी उसमें बिल्कुल भी टमाटर नहीं ऐड किया था, मतलब मन नहीं हो रहा था कि टमाटर डालो। बच्चों को जब आलू खाना होता है ना जैसे टमाटर के छिलके बीच बीच के निकालते हैं और मेरा मन भी नहीं हो रहा था टमाटर डालने का, तो मैंने टमाटर बिल्कुल भी नहीं डाला। और यहाँ पर किचन में थोड़ी सी गंदगी हो गई थी तो मैंने उसको तुरंत साफ़ किया और सबसे पहले ये जो सामान मैंने निकाला है इसको अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं, साथ साथ ही सामान की साफ़ सफाई करते रहते हैं तो ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है, नहीं होता है ना कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ में किचन की साफ़ सफाई और मैंने सुबह ही कर दी थी, लेकिन क्या होता है ना थोड़ा बहुत बचा कुचा रहता है तो भाई
साफ़ करते रहते हैं साफ़ करते रहते हैं, आदत सी हो जाती है ना हर चीज़ साफ़ साफ़ करने की। इसीलिए मेरा काम इतनी जल्दी होता नहीं है, जैसे सबका काम जल्दी जल्दी हो जाता है लेकिन मेरे काम में थोड़ा सा लेट हो जाता है कि हर एक काम करने के बाद तुरंत सफाई। तो यहाँ पे आलू उबाल करके छील करके फ्रिज में रखा था। फ्रिज में क्यों रखा था, जो आलू होती है ना उबालने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इसको फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा कर दो ना तो इसके टुकड़े अलग अलग रहते हैं, जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये एकदम से भरता जैसे नहीं बनते आलू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय माता दी। और आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और सारे दुख तकलीफों से दूर रखें, ऐसे मेरी मनोकामना है आप सभी के लिए माता रानी से। आज दिन है मंगलवार, मंगलवार का तो वैसे भी मेरा व्रत रहता था लेकिन मैं गई थी जब गाँव तो मैंने वहाँ पर व्रत नहीं किया था, मतलब व्रत करते ही नहीं थे, लेकिन अब गोरखपुर में आ गई तो फिर से मैं अपना व्रत शुरू कर दिया है। मंगलवार होने के साथ साथ आज नवरात्र का पहला दिन भी है। वैसे तो मेरा मन नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने का होता है, लेकिन क्या होता है ना, जब खुद के लिए मतलब फलाहार बनाना हो, पूजा पाठ करना हो मन से और साफ़ सफाई से तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी होता है बच्चों के लिए अलग, पतियों जी के लिए अलग, फिर अपने लिए अलग। तो इसमें क्या होता है ना, मैं खुद के लिए नहीं कर पाती हूँ, बाकी तो सबके लिए मैं कर जाती हूँ लेकिन अपने खुद के लिए नहीं कर पाती हूँ। तो फिर कुछ दिन और बिटिया बड़ी हो जाए, बिटिया संभाल ले किचन, तो फिर मैं पूजा पाठ के कामों में और व्रत 9 दिन का ये सारी चीज़ें अगर माता रानी ने चाहा तो मैं करूँगी। और बिना भगवान के या फिर माता रानी के चाहे कुछ होता नहीं है। सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9:30, बच्चे स्कूल गए हैं, आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन है और आज तारीख शायद कितनी है मुझे पता नहीं। आप लोग कहते हैं ना डेट तारीख सब कुछ मेंशन कर दिया करो, आज है तारीख 9 अप्रैल है और क्या होता है ना मुझे याद ही नहीं रहता तारीख डेट दिन कौन सा है, तो मैं मेंशन क्या करूं, मैं भूल ही जाती हूं। इससे अच्छा होता है कि मैं तारीख और डेट ये सब डालूं ही ना और बताऊं ही ना, सबसे अच्छा रहता है। कभी कभार हमारा ब्लॉग जो होता है लेट लतीफ हो जाता है, देर सवेर हो जाता है, तो डेट और दिन तारीख ना बताने की वजह से ब्लॉग आप शुक्रवार को डाल दें, शनिवार को डाल दें या फिर किसी दिन डाल दें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और बाकी और कोई बात नहीं होती। बाकी आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी मैं रेगुलर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो है ही नहीं जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो ये महीना चल रहा है ना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना बड़ा ही मतलब अलग सा होता है, इसमें ना साग सब्जियाँ ढंग से मिलती हैं, ना ही खाने पीने का मन होता है। और ठंड के मौसम में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं, गर्मी के मौसम में क्या सब्जियां बनाएं समझ नहीं आता, आलू के सिवा कुछ समझ नहीं आता, जबकि आलू में कुछ होता नहीं है, ना इसमें प्रोटीन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपका वजन बढ़ाने के अलावा इसमें कुछ होता नहीं है, कोई पौष्टिकता नहीं होती है जो कि ये खाने के लिए फायदेमंद हो, लेकिन पेट भरने के लिए लोग इसे खाते ही खाते हैं। तो वजन मेरा जो बढ़ा हुआ है ना, बहुत आलू मैंने खाया है जब मैं मायके में गई थी। मैं गोरखपुर आ गई हूँ, आए हुए 3-4 दिन हुआ, जब से आई हूँ मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, घर की साफ सफाई, कपड़े धुलिंग 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 और झाड़ू पोछा करना। वैसे पद्देव जी यहाँ पे थे, गर्मी के मौसम में ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, जहाँ पे ठंडा पानी मिलता है ना वहीं पे आके बैठती हैं, सर धुला हुआ है तो वहीं पे आके बैठ रही हैं, इनको और कहीं जगह नहीं मिल रही है। और आज सबका व्रत है तो मैंने आलू उबाल दिया है और मूँगफली के दाने भुने थे, मैंने सोचा था कि मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी लेकिन मेरा मन नहीं हुआ, मैंने भी बोया नहीं। और मैंने गुड़ भिगो करके उसका जो है शरबत बना लिया है, चीनी का शरबत मैंने पूछा कोई पिएगा तो कोई नहीं पीने के लिए राजी हुआ, तो मैंने 4-5 भेली छोटी छोटी गुड़ को भिगो करके उसको अच्छे से छान लिया, उसमें दही मिक्स करके मैं उसका शरबत बनाऊंगी। तो बस यही सारी तैयारियां हैं और बाकी दोपहर का लंच कुछ बनाना नहीं है, बच्चे आएंगे तो यही सब खाएंगे। और रोटी बना के रख दी है मैंने, 5-6 थी 7 थी और सुबह की जो सब्जी बची थी वही बना के रख दिया है, मतलब बनाई थी थोड़ा सी ज़्यादा बना दी थी। बच्चे आएंगे ना तो आलू और शरबत ही पियेंगे, बाकी जो पूछेंगे बनाएंगे, चावल वावल बना के फ्राई कर देंगे जो भी उनका खाने का मन होगा, लेकिन आज दाल चावल अभी नहीं बनेगा क्योंकि व्रत वाला अभी आलू वालू फ्राई करना है, तो फिर से झूठ वगैरह नहीं फैलाना है, एक ही गैस रहती है ना तो यही दिक्कत होता है, कभी व्रत में रहो गैस को साफ करो फिर व्रत वाला बनाओ, व्रत वाला बन गया तो सबके लिए बनाओ, ये सारी मतलब झंझट होती है व्रत रहने पर। बाकी व्रत रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी व्रत रह के ना बहुत हल्का लगता है, शरीर एकदम भारी भारी जो होता है वो सब नहीं लगता, एकदम हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है व्रत होना, जिस दिन एकदम
लगता है शरीर एकदम हवा की तरह है, मतलब भारी भारी नहीं लगता। तो व्रत हमें हफ्ते में एक दिन जरूर कर लेना चाहिए। और व्रत रहने पे आलू मूंगफली वगैरह ऐसे भारी भरकम वाली चीजें ना खाएं, जबकि जैसे हम व्रत तो रहते हैं लेकिन ये सारी चीजें ध्यान नहीं देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। फिलहाल आज मैं आप लोगों को बता तो जरूर रही हूँ नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं भी आलू शरबत खाऊंगी इतना जितना जरूरी है और चलने के लिए एनर्जी के लिए इतना, न कि ओवर ईटिंग आप कभी ना करें। जब भी आप वजन अपना कम कर रहे हैं तो भी, वजन मेंटेन कर रहे हैं तो भी। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी आलू वालू फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फलाहार दे देती हूँ पद्यो जी को भी और खुद भी थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेती हूँ। अभी सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया है, तो सबसे पहले मैं गुड़ खा के एक ग्लास नॉर्मल पानी पीऊँगी और बस उसके बाद फलाहार बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोगों से बातें करने के बाद मैंने सोचा चलो कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें देसी घी डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, हरी मिर्ची डाली है। आजकल की हरी मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं आ रही है, ऐसे खाने में स्वाद नहीं आता। जिसको तीखा खाने की आदत होती है ना, उसको मतलब ऐसे लगता है ना कि एकदम क्या ही खा रहे हैं, तीखापन नहीं है। हालांकि मैंने काली मिर्च वाला जो पाउडर पीसा है उससे थोड़ा बहुत तीखापन आ ही जाएगा। तो आलू मैंने डाल करके अच्छे से फ्राई कर लिया है, जीरा हरी मिर्ची मैंने डाला है, चाहे तो आप इसमें जो कड़ी पत्ता होता है उसको भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं मसाला जो पीस करके बना करके रखा उसको ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकती हैं खटास के लिए, या फिर नींबू का जूस ऐड कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। लेकिन हालांकि आज मुझे खट्टे वाले आलू या फिर टमाटर वाले आलू बनाने ही नहीं थे, तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस मसाले नमक ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल। ऊपर से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है खूब से ढेर सारा, और उसके बाद इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। आलू आपके फ्राई हो चुके हैं, आप इसको चाय के साथ खाओ या फिर मूंगफली के दाने के साथ खाओ या फिर सिंघाड़े की पूड़ियाँ बना के, कुट्टू की आटे की पूड़ियाँ बना के उसके साथ खाओ तो भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आज मैंने पूरी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी, सिंपल पद्यो जी व्रत थे तो मैंने ये आलू वालू का झंझट वाला, अगर वो नहीं व्रत होते ना तो मैं फ्रूट खा लेती थी व्रत के दिन, इतना ज़्यादा सब कुछ मैं अपने लिए नहीं करती। यहाँ पर मैंने गुड़ घोल करके उसको मैंने पानी में मिक्स करके घोला था, उसके बाद इसमें छान लिया, उसके बाद इसमें पैकेट वाली जो दही होती है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो यह बढ़िया फर्स्ट क्लास गुड़ का शरबत बन करके तैयार है, जो कि नुकसान भी नहीं करता। जैसे चीनी का शरबत होता है नुकसान करता है, लेकिन गुड़ का शरबत नुकसान नहीं करता। और मूँगफली लगा दी है और एक गिलास मैंने शरबत दे दिया है और आलू दे देते हैं। सबसे पहले पद्यो जी को देते हैं, फलाहार करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी जो है ना लिया था, शरबत लिया था, थोड़ी सी मूँगफली ली थी, थोड़े से आलू, और बस आराम से बैठ करके अपना जो है व्रत का खाना खाते हैं, व्रत वाला व्रत का फलाहार करते हैं, व्रत का खाना खाते हैं, जो भी आप कह लें। बढ़िया आराम से बैठ करके आलू इतनी अच्छी बनी थी ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सोधी सोधी लग रही थी। ऐसे टमाटर डाल देते हैं ना तो आलू गीली गीली हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा आज बिना टमाटर के बनाऊंगी। खटास के लिए आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर थोड़ा सा इसमें नींबू या फिर आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम में भी वजह से चाय पिया मैंने शाम के टाइम, दोपहर के टाइम जब मुझे भूख लगी थी 2 बजे के लगभग, तो मैंने सेब खाया था और केला नहीं खाया था, मैंने सेब खाया था एक, शाम को मैंने चाय थोड़ी सी मूँगफली खाई थी, उसके बाद बाग भी निकल गए। वैसे जाने का तो मन नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा टहलाएंगे, एक दो फूल मिल जाएगा तो फूल लेते आएंगे कल के लिए पूजा पाठ के लिए, और यही सब सोच के मैं निकल गई। हालांकि मेरे साथ सखी सहेली आजकल मिल नहीं रही हैं, सखी सहेली पहले ही चली जा रही हैं, मेरा टाइम थोड़ा सा लेट हो जा रहा है चाय वाय पीने के चक्कर में। और फिर मैं सोचती हूँ लेट नहीं होता, अभी देखिए कितना ज़्यादा उजाला है, 6 बज रहे हैं। आजकल दिन जो होता है ना 7 बजे डूबता है, 1 घंटा होता है, वाक मुझे 40 से 50 मिनट की करनी होती है या कभी कभार 30 मिनट की हो जाती है। व्रत होता है तो ऐसा नहीं होता कि मैं व्रत हूँ तो वाक ना करूँ, व्रत हूँ तो एक्सरसाइज ना करो। जब आपका मन हो तो आप एक्सरसाइज वाक सब कुछ कर सकते हैं, ये आपके मन पर होता है कि मन आपका क्या कह रहा है किस टाइम पर। सो अभी बज रहे हैं रात्रि के 10 बजने वाले हैं, सबका खाना पीना हो चुका था, सबके में मतलब बच्चे व्रत ही नहीं थे तो मैंने रोटियां बनाई थी और आलू ही बनाया था पूरा, केला सेब और अंगूर कोई किसी ने नहीं छुआ, सिर्फ आज शरबत और आलू और मूंगफली सबने यही खाया, बच्चों ने दोपहर को वही खाया था। और दोपहर में मैंने एक सेब कट करके खाया था, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे चाय पी थी, उसके बाद बाग पे चले गए, फिर अभी आलू फ्राई किया था, मूँगफली रखी हुई थी, और इस टाइम मैंने शरबत वरबत नहीं बनाया, बच्चों के लिए रोटी बनाई थी, अपने लिए गुड़ और गुड़ खाकर पानी पिया, दूध होता तो 1 गिलास सब लोग दूध पी लेते, लेकिन अब दूध का पानी बरसत बगाओ दूध का भी पता नहीं कब तक गैया बच्चा देगी, जब तक बच्चा नहीं देगी तब तक घर में दूध दही नहीं होगा। दूध दही रहता है ना तो बहुत सही रहता है, बहुत घर में कुछ भी भूख लगे प्यास लगे या फिर कुछ बनाना हो ना तो फटाफट से बन जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें, और बस
कह ही गए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।